So students, let's start discussing about article. In our previous lecture, हमने definite article finish किया था और indefinite article के introduction कर लिए, है ना? Introduction means कुछ basic rules हमने कर लिए थे. Now we'll start with use of A. हमने कल किया था वैसे, बस मैं थोड़ा सा फिर से बता रही हूँ कि use of A, where we use A. ठीक है, A कब लगता है? Consonant sounds के साथ. किसके साथ? कॉन्सोनेंट्स साउंड्स के साथ, नॉट लेटर. कॉन्सोनेंट साउंड, हमारे पास कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 में से 5 हमारे वॉवल होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. तो 26 में से 5 गए, बचे कितने? 21. ये हमारे क्या हो गए? दैट मीन कॉन्सोनेंट. तो जो हमारे कॉन्सोनेंट है, अगर कोई लेटर, कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से और वो एक है और वो इनडेफिनेट है, ठीक है, करेक्ट, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? अ. ओके, और वो काउंटेबल है सबसे पहले, करेक्ट. नाउ फॉर एग्जांपल, अ बुक, अ डॉग, अ मैन, अ हैन, है ना, लाइक दिस. Now, let's come to know the use of an. Where we use an? अगर consonant के साथ लगता है तो an लगता है vowel sounds के साथ. इसके साथ vowel sound. Keep in mind, I am not talking about vowel letter. I am talking about vowel sound. अगर कोई word in vowel sound से start होता है, like a, a, e, I, o, और u के sound a में आती है, ठीक है, तो अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू यूज एन. इफ इट इज सिंगुलर, इफ इट इज काउंटेबल एंड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटेंस, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. लाइक एन एसेट, एन एसे, एन इंडेक्स, एन ऑनियन एंड एन अम्ब्रेला. और की एग्जांपल पढ़े, अ हैट, a house, a union, a uniform, a one hour appointment. अगर आप पढ़ रहे हो, आपके माइंड में डाउट नहीं आ रहा कि मैडम आपने यहाँ तो यू के साथ अ लगाया एंड ओ के साथ भी अ लगा दिया, और यहाँ ओ के साथ एन लगाया और यहाँ भी यू के साथ एन लगाया, क्यों? क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में, है ना, करेक्ट. सो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसको नोट कीजिए. यू जो वॉल है ना बेटा हमारा, यू वॉल, इसकी दो साउंड होती है, करेक्ट. एक होती है य और एक होती है अ. अगर यू की साउंड य में आती है, दैट मीन ये क्या है? कॉन्सोनेंट. बिकॉज योर साउंड इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. एंड अगर यू की साउंड अ में आ रही है, दैट मीन ये क्या है? वॉल साउंड. बिकॉज अ इज अ वॉल साउंड. सो अगर कोई नाउन स्टार्ट हो रहा है यू से और उसके साथ हमारे पास क्या है? योर साउंड आ रहा है, सो वील यूज अ. और अगर वॉल से स्टार्ट हो रहा है, देन वी यूज एन. ओके, सिमिलरली अगर हमारा वर्ड स्टार्ट होता है ओ से, राइट, ओ हैज टू साउंड्स, करेक्ट, एक ओ की ओ में, एक ओ की वो में, राइट. नाउ अगर ओ की ओ में आती है, दैट मीन ये क्या हो गया? वॉल साउंड. अगर ओ की वी में आती है, वी वैन वाला वी है ना, व तो वो साउंड आएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट. सो इन दैट केस अगर वॉल से स्टार्ट हो रहा है ओ का नाउन, तो एन,
अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो अ, फॉर एग्जाम्पल ये नोट कर लिया, पहले बताओ फिर मैं एग्जाम्पल्स पे चलती हूँ। पहले ये नोट कर लिया, नोट कर लिया, देन शो मी थम्स अप। चलो एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर ओ से स्टार्ट होता है वॉल से, तो मैं अगर वन बोलू है ना, तो ये वन ओ से तो स्टार्ट हो रहा है, पर क्या हम इसको ऑन बोल रहे हैं? ऑन बोल रहे हैं क्या हम इसको? क्या बोल रहे हैं? वन है ना, अ वन आर अपॉइंटमेंट, तो अ आ जाएगा है ना। सिमिलरली ऑरेंज, अब इसको वॉरेंज बोल रहे हैं? नहीं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑरेंज मीन्स हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? ओ से। ना ओ इज व्हाट? इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो ए, सॉरी इट्स अ वॉवल साउंड, तो हम क्या लगाएंगे? एंड।